आज की वीडियो में क्लास 8 लेसन 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज का एक भ्रमण, विजिट मीन्स होता है भ्रमण। कैम्ब्रिज एक विश्वविद्यालय का नाम है जो कि ब्रिटेन में है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण व्यक्तियों के मिलन की कहानी है। पहले हैं स्टीफन हॉकिंग्स, दूसरे हैं फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए कैम्ब्रिज जाते हैं और इस पूरे लेसन में वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं कि उनको उनसे मिलकर के कैसा लगा और कैम्ब्रिज जाकर कैसा लगा, जो स्टीफन हॉकिंग्स थे वो किस तरह के व्यक्ति थे और फिरदौस कांगा किस तरह के व्यक्ति थे, यही सब इसमें पूरे लेसन में बताया गया है। आइए अच्छे से समझते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, दो असाधारण व्यक्तियों के बीच की मिलन की एक कहानी है। मतलब यह दो असाधारण व्यक्तियों के बीच के मिलन की एक कहानी है। बोथ हैव देम डिफरेंटली एबल्ड, उनमें से दोनों भिन्न रूप से अक्षम थे, मतलब दिव्यांग थे, विभिन्न भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग रूप से अक्षम थे। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिस्ट, स्टीफन हॉकिंग्स जो कि एक तारा भौतिकविद थे, हु सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो कि पैरालिसिस के एक प्रकार से ग्रसित थे, पीड़ित थे। दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, जो कि उन्हें एक व्हील चेयर तक सीमित रखता था, मतलब वो जो चक्के वाली कुर्सी होती है उसी पर वो बैठे रहते थे, उसी को खिसकाकर आगे पीछे मूव करते थे, वो उसी तक वो सीमित रहते थे, बिना उसके नहीं चल पाते थे। कन्फाइंस मीन्स होता है सीमित। एंड अलाउज हिम टू स्पीक, और उन्हें अनुमति देता था स्पीक बोलने की ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पर बटन को दबा करके, मतलब उनको जब भी बोलना रहता था तो कंप्यूटर के बटन को वो दबाते थे। अभी तक हम लोगों ने जाना कि स्टीफन हॉकिंग्स कौन थे, अब जानेंगे कि फिरदौस कांगा कौन थे जो कि स्टीफन हॉकिंग से मिलने गए थे। फिरदौस कांगा इज ए राइटर एंड जर्नलिस्ट, फिरदौस कांगा एक लेखक और पत्रकार हैं, हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो कि मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कांगा वाज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स, कांगा कमजोर हड्डियों के साथ पैदा हुए थे, मतलब बचपन से ही उनकी जो हड्डियां थी वो कमजोर थी। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की तरह मूव्स अराउंड इन व्हीलचेयर, व्हीलचेयर के चारों ओर मूव करते हैं, चलते हैं, मतलब वो भी व्हीलचेयर जो चक्के वाली कुर्सी होती है उसी पर बैठ करके उनको हिलना डुलना या चलना रहता है तो उसी को खिसकाकर चलते हैं। मतलब जो स्टीफन हॉकिंग्स थे और फिरदौस कांगा थे, दोनों की सिचुएशन एक जैसी थी, दोनों ही व्हीलचेयर के माध्यम से ही चल पाते थे, मतलब दोनों ही दिव्यांग थे। अब आगे देखते हैं, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए मेरा मेटाफर था, मतलब उनके लिए कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज जाना मतलब इंग्लैंड में पहुंच जाना है, मतलब वो कैम्ब्रिज को ही इंग्लैंड मानते थे। अब आगे देखते हैं, एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और यह विचित्र बात थी कि व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने इसे छोड़ा, आई हैड बिकेम ऑल टुगेदर समथिंग इल्स, मुझमें कुछ अलग सा हुआ, मतलब मुझमें कुछ हुआ मतलब कुछ बदलाव हुआ, बिकॉज क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग्स देयर, क्योंकि वहाँ मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला, मतलब जब वो कैम्ब्रिज छोड़ रहे थे तो उनके अंदर बदलाव जैसा उनको महसूस हो रहा था, क्योंकि उन्होंने स्टीफन हॉकिंग से वहाँ पर कैम्ब्रिज में मिला था और कैम्ब्रिज में स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद उनको अपने अंदर बदलाव बदलाव जैसा महसूस हुआ। अब आगे देखते हैं, इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, यह कैम्ब्रिज के लिए एक वॉकिंग टूर था। That the guide mentioned Stephen Hawking, जहाँ पर गाइड ने स्टीफन हॉकिंग्स के विषय में बताया। पुअर मैन, अब स्टीफन हॉकिंग्स के विषय में गाइड बता रहा है फिरदौस कांगा से कि पुअर मैन, बेचारे आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि अब पूरी तरीके से अक्षम हो गए हैं, दिव्यांग हो गए हैं। दो ही इज ए वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, यद्यपि वह आइजैक न्यूटन के एक योग्य उत्तराधिकारी हैं। हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जिसकी चेयर पर, जिसकी कुर्सी पर वह यूनिवर्सिटी में इस समय है, मतलब आइजैक न्यूटन के पोस्ट पर यूनिवर्सिटी में स्टीफन हॉकिंग्स इस समय पोस्टेड थे। ये भी कह सकते हैं कि
न्यूटन की तरह ही स्टीफन हॉकिंग्स का जो माइंड था बहुत ही तेज था और वो चेयर के पोस्ट पर यूनिवर्सिटी में पोस्टेड थे। एंड आई स्टार्टेड और मैंने शुरू किया विकास, क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगेट, क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल गया था दैट दिस ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट कि यह एक बहुत ही प्रतिभाशाली और पूरी तरीके से पैरालाइज्ड तारा भौतिक विद थे। द आथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इस पुस्तक के लेखक थे। मतलब कौन थे स्टीफन हॉकिंग? स्टीफन हॉकिंग्स के विषय में बताया जा रहा है कि वो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक थे। और यह किस तरह की किताब थी आगे दिया गया है, वन ऑफ दी बेस्ट सेलर्स, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक थी यह जो बुक थी। और यह बुक स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा लिखी गई थी। एवर लिव्ड हियर, यहाँ रहते थे, मतलब जो फिरदौस कांगा थे वो पूरी तरह से भूल गए थे कि स्टीफन हॉकिंग्स यहाँ रहते थे और उनके विषय में ये सब बताया गया है। When the walking tour was done, जब walking tour हो गया, I rushed to a phone booth, मैं एक फ़ोन बूथ की तरफ भागा। Rushed means होता है भागा या दौड़ा। And almost tearing the card so it could reach me outside, और लगभग कार्ड जो फ़ोन का तार होता है वह टूटने ही वाला था कि इट कुड रीच मी आउटसाइड, बाहर या मेरे पास पहुंचा। मतलब जो फिरदौस कांगा थे वो भी तो दिव्यांग ही थे, इसीलिए वो अंदर नहीं जा सकते थे बूथ में, इसीलिए जो फ़ोन का तार था, जो फ़ोन था उसको बाहर लाया गया और वो इतना लंबा नहीं था कि उनके पास पहुंच पाता, किसी भी तरीके से वह उनके पास पहुंच पाया। फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और जो फिरदौस कांगा थे तब जब उनके पास फ़ोन पहुंचा तो उन्होंने स्टीफन हॉकिंग्स के घर पर फ़ोन किया। देयर वॉज हीज असिस्टेंट ऑन द लाइन, लाइन पर मतलब फ़ोन पर उनका असिस्टेंट था, कि स्टीफन हॉकिंग्स का असिस्टेंट फ़ोन पर था। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उससे बताया, उससे किसे बताया, फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग्स के असिस्टेंट से बताया कि आई हैड इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से व्हील चेयर में आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में अपने ट्रेवल के विषय में, अपनी यात्रा के विषय में लिखने के लिए, मतलब ब्रिटेन में अपनी यात्रा के विषय में लिखने के लिए मैं भारत से व्हील चेयर में आया हूँ। अब यहाँ पर कोष्टक में दिया गया है कि वो क्या समझते हैं, जो असिस्टेंट था वो क्या समझता है। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद वह सोचा कि पूरे रास्ते मैं खुद को धकेलते हुए आया, मतलब वो व्हील चेयर से आए हैं ऐसा बोले हैं, तो जो असिस्टेंट था हो सकता है उनको ऐसा लगा हो कि वो खुद की व्हील चेयर को धक्का देते हुए, प्रोपेल्ड मीन्स होता है धक्का देकर किसी चीज़ को आगे धकेलना, तो हो सकता है कि उसने व्हील चेयर को धक्का देते हुए भारत से यहाँ इंग्लैंड में इतनी दूर से धक्का देते हुए आया, हो सकता है कि जो असिस्टेंट हो असिस्टेंट है वो ये सोचा हो, ऐसा फिरदौस कांगा अपने मन में सोच रहे हैं। आगे देखते हैं। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग इवन 10 मिनट्स वुड डू। अब फिरदौस कांगा असिस्टेंट से कह रहे हैं कि आई हैड टू सी प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर को देखना चाहता हूँ, मतलब प्रोफेसर जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ या मिलना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट के लिए, ऐसा वो आग्रह करते हैं, फिरदौस कांगा आग्रह करते हैं असिस्टेंट से। अब देखते हैं असिस्टेंट क्या बोलते हैं। हाफ एन आवर ही सेड फ्रॉम 3:30 to 4, आधा घंटा उसने कहा, असिस्टेंट ने कहा कि आधा घंटा आप मिल सकते हैं या देख सकते हैं। अब टाइमिंग भी बता रहा है कि फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक, तो फिरदौस कांगा को स्टीफन हॉकिंग से मिलने का टाइम मिल गया। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, जब फिरदौस कांगा को समय मिल गया कि इतने बजे से इतने बजे तक मिलना है, तो उनके अंदर अचानक से पूरी तरीके से कमजोरी जैसे फील हुई, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया उनसे मिलने की कि उनको लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर अंदर से कमज़ोर हो गया है। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मैं पूरी तरीके से कमज़ोर महसूस किया। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, अक्षमता के साथ बढ़ते हुए। यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू ब्रेव,
जो लोग हैं वो आपको निराश कर देते हैं या कह कह कर कि बहादुर बनो बहादुर बनो। विकलांग होते हैं उनको लोग ये कहते हैं कि बहादुर बनो ऐसा कह कह करके उनको निराश कर देते हैं। एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट, जैसे लगता है कि आपके पास एक करेज अकाउंट हो, साहस का खाता हो, ऑन विच जिसमें से आप टू लेजी टू ड्रा ए चेक, जिसमें से आप चेक को ड्रा करने में आलस्यता दिखाते हैं। मतलब जैसे आपके पास साहस का एक खाता हो जिसमें से आप साहस को निकालने में या चेक साहस रूपी जो चेक है उसको काटने में लेजी आलस्यता दिखाते हैं। मतलब आपके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा साहस हो और आप आलस्यता दिखाते हैं कि नहीं हम साहसी नहीं बनेंगे, इस टाइप का ऐसे लोग फोर्स करते हैं। अब आगे देखते हैं, द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू। अब आगे फिरदौस कांगा कहते हैं कि केवल ऐसी ही चीज़ आपको मजबूत बना सकती है, केवल ऐसी ही चीज़ आपको मजबूत बनाती है इज सीइंग समबडी, किसी को देखना, लाइक यू अपने तरह किसी को देखना, अचीविंग समथिंग हुज कुछ बड़ा प्राप्त करते हुए। मतलब फिरदौस कांगा का कहने का मतलब है कि किसी की ये कहने से कि बहादुर बनो इससे अंदर साहस नहीं आता, बल्कि साहस कैसे आता है, किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो आपकी तरह हो, मतलब आपकी तरह ही उनमें उसमें अक्षमता हो लेकिन उसके बावजूद भी वह कुछ बड़ा प्राप्त किया हो। ऐसे लोगों को देख करके अंदर मजबूती आती है, इंसान मजबूत होता है कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब आगे देखते हैं, देन यू नो, तब आप सोचते हैं कि हाउ मच इज पॉसिबल, यह कैसे संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर, और आप आगे पहुंचते हैं, देन यू एवर थॉट यू कुड, जिसे कि आप कभी सोचे होंगे कि आप कर सकते हैं। मतलब जब आप ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तब ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये व्यक्ति इसमें अक्षमता होते हुए भी यह इस पोजीशन को प्राप्त किया है। उसके बाद आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और आप जो सोचे हैं कि हाँ हम ये बन सकते हैं, ये बनेंगे, तब वो आप आसानी से अचीव कर लेते हैं, आप आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उस समय अंदर से दृढ़ इच्छा मजबूत हो जाती है और अंदर से मजबूती आ जाती है ऐसे लोगों को देख करके। फिरदौस कांगा जी का कहने का ये मतलब है। अब आगे देखते हैं, आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ, सेड हिज दिस एम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, उनकी बिना शरीर वाली कंप्यूटर की आवाज़ ने कहा। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दोपहर, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई मौका नहीं था। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिस इंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज ए चॉइस, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था कि इस रियलिटी के साथ क्रिएटिविटी सृजनात्मकता पूर्वक जीना कि उनकी जो बॉडी थी वो काम नहीं कर सकती, क्या उनकी चॉइस है। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा, विकॉज क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, क्योंकि मैं हर समय गिल्टी महसूस किया, दोषी महसूस किया। आई स्पोक टू हिम, जब मैंने उनसे बात किया तो मुझको ऐसा लग रहा था जैसे फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, जैसे मैं उन्हें उत्तर देने के लिए फोर्स कर रहा हूँ, दबाव डाल रहा हूँ। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विथ द ओनली बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग फेल फिंगर्स। वहाँ पर वे अपने हाथ में छोटे से स्विच को टैप करते हुए दबाते हुए ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, शब्दों को पाने की कोशिश करते हुए ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, उनके अंदर थोड़ा सा ही मूवमेंट, थोड़ा सा ही हलचल बचा हुआ था। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनके लंबे पीले हाथों में। मतलब ऐसा लग रहा था कि जब मैं क्वेश्चन उनसे पूछता था तब वो शब्द खोजने लगते थे अपने कंप्यूटर पर और उनके शरीर में ज़्यादा हलचल नहीं था, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, जो फिंगर था लंबा सा पीला सा जो फिंगर था उसमें ज़्यादा हलचल नहीं थी, मतलब वह जो उनका फिंगर था वो सुस्त था। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एंड एग्जॉशन, अक्सर उनकी जो आंखें थी वो निराशा और थकान से बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठ करके आई कुड फील हिज एंग्वेज, मैं उनके कष्ट को महसूस किया। द माइंड बॉयंट विथ थॉट्स, उनका जो दिमाग था वो विचारों से भरा हुआ था।
दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेज, जो कि जमे हुए वाक्यांशों के रूप में बाहर आ रहा था, मतलब धीरे धीरे बाहर आ रहा था. एंड सेंटेंसेज स्टिफ एज कॉर्पसेज, और उनके जो वाक्य थे वो कठोर हो गए थे जैसे सौर, जैसे जो मुर्दा होता है उसी की तरह उनके जो वाक्य थे वो कठोर हो गए थे, मतलब बहुत मुश्किल से निकल रहे थे, और जो निकल भी रहे थे वो बहुत कठोरता से निकल रहे थे, क्योंकि जो उनकी आवाज़ थी वो खुद की आवाज़ तो थी नहीं, वो कंप्यूटर की आवाज़ थी, उसमें ना तो लय था ना तो कुछ भी था, ना तो कोई ट्यून था, तो ऐसी कठोरता से निकलती थी जैसे मुर्दा कठोर हो गया हो, उसी तरह उनके जो सेंटेंस थे निकलते थे. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, बहुत से लोग ऐसा सोचते हुए दिखाई देते हैं कि दिव्यांग लोग लंबे समय तक खुश नहीं रहते हैं, मतलब अनहैप्पी रहते हैं. आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ कि यह मेरे लिए सत्य नहीं है, मतलब यह जो बात है यह मेरे लिए सत्य नहीं है, ऐसा मैं जानता हूँ. आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अक्सर अपने अंदर हंसते हैं, वह ऐसा क्वेश्चन करते हैं. अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट बाद ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने उत्तर दिया. आई फाइंड इट अम्यूजिंग वेन पीपल पैट्रनाइज मी, मुझको मजा आता है जब लोग मुझ पर कृपा करते हैं या दया करते हैं. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग वेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, और क्या आपको कष्ट मिलता है जब मेरे जैसे कुछ लोग आते हैं और आपके काम में आपको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं. द आंसर फ्लैश्ड, उत्तर आया यस, हाँ, मतलब उनको स्टीफन हॉकिंग को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कष्ट होता है. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल आर सिली, तब उन्होंने एक तरफ से स्माइल किया, मतलब थोड़ा सा वो मुस्कुराए, एंड आई न्यू, और मैं जानता था कि विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल आर सिली, और वो भावुक और मूर्खतापूर्ण था. That I was looking at one of the most beautiful men in the world. और जैसे मुझको लग रहा था कि संसार में सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक को देख रहा था, मतलब जब स्टीफन हॉकिंग्स मुस्कुरा रहे थे तब कांगा को ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक को वो देख रहे हों. A first glimpse of him is shocking. उनकी पहली झलक आश्चर्यजनक है क्योंकि वह अभी भी एक फोटोग्राफ की तरह है. एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, जैसे उनकी जो पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं, जो मैगजीन और न्यूज़पेपर में दिखती हैं उसी तरह हैं. हैव टर्न्ड 3D, केवल फर्क इतना था कि वो 3D में अब दिख रहे हैं, मतलब 3D में अब दिख रहे हो, मतलब जब सामने से देखने पे लग रहा था कि वो 3D में दिख रहे हैं, बाकी उनका जो चेहरा था, उनका जो फेस था, फोटोग्राफ था, वो मैगजीन और न्यूज़पेपर में जो छपे थे बिल्कुल उसी तरह दिख रहा था. न्यूज़पेपर या मैगजीन में केवल एक तरफ सामने की तरफ से देखा जा सकता है, जबकि जब कांगा सामने से देख रहे थे तो उनको लग रहा था कि उनका 3D फोटोग्राफ वो देख रहे हों. देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू द स्लंप, तब आप देखते हैं कि उनका जो सिर था वह उनके कंधे पर एक साइड मुड़ा हुआ था. द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उनका जो धड़ था वो पीले नीले शर्ट के अंदर घुसा हुआ था या सुकड़ा हुआ था. द वेस्टेड लेग्स, उनके जो पैर थे वो खराब थे. यू लुक एट हिज आईज, यू लुक एट हिज आईज, आप उनकी आंखों को देखते तो ऐसा लगता जैसे विच कैन स्पीक स्टिल, वह अभी भी बोल सकते हैं. एंड दे आर सेइंग समथिंग हुज एंड अर्जेंट, और उनकी जो आंखें थी वो कुछ विशाल, कुछ बड़ा और अति आवश्यक कह रही हूँ, ऐसा लग रहा था उनकी आँखों को देख करके. इट इज हार्ड टू टेल वॉट, और यह बताना कठिन था कि क्या, मतलब उनकी आँखें क्या कहना चाहती थी ये बताना कठिन था, लेकिन उनकी आँखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी आँखें कुछ बहुत ज़्यादा और अति आवश्यक चीज़ कहना चाह रही हैं. बट यू आर सेकेंड, लेकिन आप हिल जाएंगे विकास, क्योंकि Because you have seen something you never thought could be seen,
क्योंकि आप कुछ ऐसा देखेंगे जो आप कभी सोचे नहीं होंगे कि आप देख सकते थे। What do you think is the best thing about being disabled? आप क्या सोचते हैं कि disabled दिव्यांग व्यक्ति के विषय में क्या सबसे अच्छा है? I had asked him earlier, मैंने उनसे जल्दी से पूछा। I don't think there is anything good about being disabled, मैं नहीं सोचता कि दिव्यांग लोगों के विषय में कुछ अच्छा है। I think, मैं सोचता हूँ। I said, मैंने कहा। You do discover how much kindness there is in the world, संसार में कितनी दयालुता है यह आप खोजते हैं। Yes, he said, हाँ उन्होंने कहा। It was a disadvantage of his voice synthesizer, यह उनके आवाज संश्लेषक का दोष था कि It could convey no inflection, no shades or tones, कि वह उतार चढ़ाव और जो लय होता है वो नहीं देता था। मतलब स्टीफन हॉकिंग जो भी बोलते थे, क्योंकि वो कंप्यूटर की आवाज़ में बोलते थे, कंप्यूटर की आवाज़ रहती थी और कंप्यूटर की जो आवाज़ थी उसमें कोई लय, कोई उतार चढ़ाव नहीं था। एक फ्लो में कठोरता के साथ कंप्यूटर बोलता था। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो उनका वॉइस सिंथेसिसर था, मतलब उनका जो कंप्यूटर था, उसकी आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव, कोई ट्यून नहीं था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथ्यूसिस्टिकली ही एग्रीड विथ मी, और मैं नहीं बता सकता कि वो कितने उत्साह के साथ मेरे साथ सहमत थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर आई टर्न्ड माई रिस्ट टू वॉच द टाइम आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन टू आवर 30 मिनट्स काउंट। हर समय कुर्सी में बैठे हुए समय को देखते हुए अपनी कलाई को मोड़ता था। मैं चाहता था कि हर कोई हमारे जो 30 मिनट है उसको गिने। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मैंने बहुत ज़्यादा आराम महसूस किया। एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, और अपने शरीर में संभावनाओं का रोमांच महसूस किया। मतलब कांगा को स्टीफन हॉकिंग से मिल करके, उनसे बात करके ऐसा लगा कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा संभावनाएं, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वो रोमांच फील किए। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, यह मैटर नहीं करता कि मैं कभी नहीं चल सकता या नहीं खड़ा हो सकता। I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others. Did that thought help him? मैंने उनसे बताया कि ठप्पा के परे वो मेरे लिए कितना कितना प्रेरणा है, यहाँ तक कि मेरे लिए ही नहीं अन्य के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। Did that thought help him? क्या उनको ये जो विचार मेरा था उनको मदद करता है, मैंने उनसे ऐसा पूछा। No. नहीं, ही सेड, उन्होंने उत्तर दिया नहीं। एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क, और मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं ऐसा उनसे पूछा था। व्हेन योर बॉडी इज ए क्लस्टरफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे, जब आपका शरीर छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत रूम की तरह बन जाए और डे बाई डे प्रतिदिन दीवार, उसकी जो दीवार है वह सीमित संकुचित होती जाए। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो, यह जानने के लिए कुछ अच्छा नहीं है कि देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, बाहर के लोग अभी भी आपको सांस लेते हुए देखते हुए प्रशंसा के साथ हंसते हैं, मतलब आप पर हंसते हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या कोई सलाह आप दिव्यांग लोगों को दे सकते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कुछ ऐसा जो कि लाइफ को, जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करे। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट, उन्हें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा बीत गया। आई थिंक, मैंने सोचा। आई हैव एनोयड यू इनफ, मैंने सोचा कि मैंने आपको काफ़ी परेशान किया। आई सेड, मैंने कहा, ग्रीनिंग, थोड़ा मुस्कुराते हुए, थैंक यू फॉर, धन्यवाद इसके लिए।
आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को छुआ एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और गर्मी की शाम में बाहर निकल गया। व्हील्ड आउट मतलब बाहर निकल गया। यह जो पूरा लेसन था यह फिरदौस कांगा के द्वारा लिखा गया कि उनके बुक हीवन ऑन व्हील्स से लिया गया है। तो बच्चों इस वीडियो में आप लोगों ने ए विजिट टू कैम्ब्रिज को देखा, फिरदौस कांगा और स्टीफन हॉकिंग के बीच के वार्तालाप को, उनकी डिसएबिलिटीज को, उनकी जो दिव्यांगता थी उसके बावजूद भी वो कितने सफल हैं, इन सबको अच्छे से जाना समझा। आप इन दोनों पर्सन के विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त की है। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस चैनल पर क्लास 8 इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर जाकर आप सारे चैप्टर्स के वीडियोज को पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।